न्यूमेरिकल आप कर रहे हैं, न्यूमेरिकल मैं इससे पहले बहुत सारे करा चुका हूँ और वीडियोस में, उनको जरूर देखें क्योंकि तो न्यूमेरिकल सारे इम्पोर्टेंट हैं और इससे आपका बहुत नॉलेज गेन होती है। क्योंकि तो जब आप कॉम्पिटिशन बैठते हैं तो मैं न्यूमेरिकल उसमें बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल पूछा, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। ऐसे कितने रजिस्टर होंगे जिसको 5 एम्पियर का करंट और 220 वोल्ट लाइन में से पास कर सकते हैं। सबसे पहले 5 एम्पियर करंट है तो I इज इक्वल टू 5 एम्पियर और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। यह आपने किया, V इज इक्वल टू क्या होता है IR, क्या होता है वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है, बताया था आपको। आर इक्वल टू वी अपॉन आई, वी कितना आपका 220, आई कितना 5, आपने कैसे कर दिया 5 4 20 5 4 20 44 ओम। क्लियर, अब 44 ओम आ गया तो जो रेजिस्टेंस है वो कितने ओम का है 44, तो 44 ओम के कितने रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होंगे तो लेट नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मान लो एक्स, ठीक, तो 44 एक्स इज इक्वल टू कितना 176 और एक्स इज इक्वल टू 176 अपॉन 4 टाइम्स कैंसिल हो गया तो एक्स इज इक्वल टू 4, तो लिख देंगे नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4। क्लियर, देखिए बच्चों न्यूमेरिकल नेक्स्ट, विच यूजेस मोर एनर्जी, किसमें एनर्जी ज्यादा यूज होगी। एक टीवी सेट है, दूसरा टोस्टर है। टीवी सेट का जो पावर है वो 250 वाट का है और जो टाइम है बराबर है, तो ये टीवी सेट जो एक घंटे चलती है और 250 वाट की है, और एक टोस्टर जो 200 वाट का है और 10 मिनट चलता है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ज़्यादा, किस में होगी। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टीवी की, तो यहाँ पर पी कितना है 250 वाट, तो इसको किलोवाट चेंज कर लेंगे तो 250 अपॉन 1000 तो यहाँ किलोवाट, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 20 से पॉइंट लगा दीजिए 0.25 करना सीखिए, 0 0 कैंसिल हो गया तो 20 बची, 20 का डिवाइड कर दिया तो 2 डिजिट का डेसिमल लग गया, किलोवाट में चेंज हो गया। अब टी कितना है 1 आवर, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी कंज्यूम का, ई इक्वल टू पी इंटू टी, ई इक्वल टू पी इंटू टी, पी कितना है 0.25 और टाइम कितना है 1, तो 0 टाइम कितना है 1, तो 0.25 किलोवाट आवर, किलोवाट आवर को यूनिट बोलते हैं बच्चों, किलोवाट आवर। अब ये टीवी का आ गया, अब किसका टोस्टर का देखिए पावर कितनी है आपकी 1200 वोल्ट, चेंज कर लो किलोवाट में, 1200 अपॉन 1000 क्या आ गया किलोवाट, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर पॉइंट वाट, तो 1.2 किलोवाट। टाइम कितना आपका 10 मिनट, चेंज कर लो मिनट को आवर में, 10 अपॉन 16 1/6 आवर, ठीक। अब ई इक्वल टू क्या होता है पी इंटू टी, पी कितना आपका 1.2, टाइम कितना 1/6, 6 से काट दो ये या ऐसे कुछ भी कर लो आप, 6 2 12 0.2 किलोवाट। अब आपने देखा कि यहाँ पर 0.25 है और यहाँ पर 0.20 है, तो किसमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हुई, किसने एनर्जी ज़्यादा ली, टीवी ने, तो देखें टीवी यूजेस मोर एनर्जी। क्या था इसमें, केवल आपको पहले टीवी की एनर्जी निकाल लीजिए, फिर टोस्टर की एनर्जी निकाल लीजिए, जिसकी ज़्यादा हो उसके लिए देंगे। ये पूछा था विच यूजेस मोर एनर्जी, किस में एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी,
टीवी सेट में या टोस्टर में। टीवी सेट जिसका पावर 250 वाट का है और बराबर चलता है, टोस्टर जो 200 वाट का है 10 मिनट चलता है।